Hi everyone, welcome to my channel. I am Rashmi. So today I am going to tell you about the recipe of गढ़वाली खट्टी मीठी चूली की चटनी. चूली की चटनी हमारे गढ़वाल में काफ़ी फेमस है बिकॉज ये अभी गर्मियों के टाइम पे ज़्यादातर बनाई जाती है क्योंकि अभी सीजन है इसका, तो इसलिए ज़्यादा लोग बनाते हैं इसे और पसंद करते हैं. चूली इज एप्रिकॉट. एप्रिकॉट को हमारे लोकल लैंग्वेज में गढ़वाल में चूली बोलते हैं, तो आपको भी सिखाते हैं चूली की चटनी बनाना. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अभी हमारे पास कच्ची चूलियां नहीं है तो हम इन्हीं सूखी चूलियों से ही अपनी चटनी बनाएंगे. तो इन्हें पहले अच्छे से साफ पानी में धो लें. जैसे ही ये साफ़ हो जाएं तो इसे नॉर्मल पानी में डाल के धूप में 2 घंटे तक रख दें. तब तक आप इस चटनी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लें. 4 लहसुन, कुछ मिंट लीव्स, 2 हरी मिर्चियाँ. अब 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं चूलियाँ काफ़ी फूल चुकी हैं और तैयार हो चुकी हैं. ये जो पत्थर है इसे गढ़वाली में सिलवट्टा कहते हैं. हम ये चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम लहसुन, पुदीने की कुछ पत्तियाँ और हरी मिर्च को काट कर अच्छे से पीस लेंगे. जब तक ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हमें इसे पीसते रहना है. और अब इसमें चूली डाल दें जो हमने भिगोई थी और इसे भी अच्छे से इनके साथ मिक्स कर लें. अब इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी चीनी डाल दें अपने स्वाद अनुसार ताकि इसमें थोड़ा मीठापन आए. और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें. लास्ट में जो भिगोया हुआ पानी था चूल्हे का उसे भी डाल दें. लीजिए, आपकी ये लाजवाब चटनी तैयार है. आप इसमें धनिया, कटे हुए प्याज भी मिला सकते हैं, यह ऑप्शनल है. आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी. आप भी जरूर ट्राई करिएगा अपने घर में. और वन मोर थिंग, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये है सूखी चूलियाँ जो कि चूलियों को सुखा के बनाया गया है. पर आप इसमें कच्ची चूलियाँ भी यूज़ कर सकते हैं और सिलवट्टे के जगह ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं. सो प्लीज़ ज़रूर बनाइए अपने घर में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है और कैसा लगा आपको खा के. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ शो योर लव टू माई वीडियोज़. बाय.